नहीं, मैं कह रहा कि ये बच्चा किसका है, कि मेरा है कि वकील का है। अरे शुरुआती होती है घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। जब सीमा पाकिस्तान से आई हुई दुश्मन देश की बेटी बोलती है भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम। जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान में मोहब्बत की तलाश में आई सीमा पर एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसका लेकर विवाद हो गया। कहा जा रहा है कि जो ट्रेलर है वो कहीं ना कहीं छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है डॉक्टर एपी सिंह की और सीमा की। मेरे साथ इस समय सीमा सचिन के वकील डॉक्टर एपी सिंह हैं। जो रिलीज हुआ है ट्रेलर, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैंने नहीं देखा क्या है फिल्म का ट्रेलर, इतना टाइम भी नहीं है। ट्रेलर पता नहीं क्या क्या रिलीज होते रहते हैं, क्या क्या चलते रहते हैं, वो देखेंगे। कुछ भी कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें सीमा सचिन का प्यार दिखाया होगा। नहीं नहीं, प्यार नहीं दिखाया, उसको राह का एजेंट दिखाया। राह का एजेंट बताया। राह का एजेंट? हाँ। मतलब वो राह की एजेंट है? हाँ। मतलब पाकिस्तान से आई हुई, प्यार में आई हुई नहीं है, पबजी खेलती हुई नहीं है, काठमांडू के इसमें जो पशुपतिनाथ मंदिर वहाँ शादी हुई वो नहीं दिखाया? नहीं, शादी नहीं दिखाई गई उसको, तो इस तरह से एजेंट दिखाया कि जिस तरह से वो पाकिस्तान में भारत की एजेंट थी और यहाँ पर आई है। और अच्छा, ये वहाँ से शुरू की होगी उन्होंने, जो उसने घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, 13 अगस्त को, 13 अगस्त को मेरा गांव, वो जो चीजें जो माटी, वो मेरा गांव, मेरी माटी, मेरा देश तो दिखाया होगा। वो नहीं है। नाग पंचमी तो दिखाई होगी, मनाते हरियाली तीज? नहीं, हरियाली तीज भी नहीं, नाग पंचमी भी नहीं, जन्माष्टमी शुरू किया क्या? जन्माष्टमी से दिखाना? जन्माष्टमी तो दिखाई होगी। अच्छा, राष्ट्रपति जी के यहाँ जो हमने याचिका लगाई थी, महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका, उससे दिखाया होगा? नहीं, वो कुछ भी नहीं, वो भी नहीं है। अच्छा, उसको जो वो आई थी जब उसके उसमें फॉरेनर 14 फॉरेनर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था, तो जब उसको पुलिस कस्टडी में दिखाया गया होगा, जेल में दिखाया गया होगा, बेल हुई दिखाई गई होगी, उसके बाद से घर रह रही हो दिखाई होगी अपने? नहीं, वो सब चीजें भी नहीं है, उसको तो इसी तरह एजेंट के रूम में दिखाया पूरा। मतलब एजेंट क्या मतलब? अच्छा, वो किसी और की होगी फिर तो, इससे क्या मतलब फिर उस फिल्म का? ट्रू स्टोरी इसकी बताई जा रही, नाम बदले होगी इसकी थोड़ी होगी। इसके में तो हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, मेरा गांव, मेरी माटी, मेरा देश, नाग पंचमी, हरियाली तीज का त्योहार, बसंत पंचमी का त्योहार, जन्माष्टमी का त्योहार, मटकी फोड़ने का कार्यक्रम, जब हम जाते हैं इतना भव्य स्वागत, वो दिखाया होगा शायद, तो वो दिखाया होगा। नहीं, वो नहीं है, बल्कि आपको कहा सचिन कह रहा है कि वो बेटा बच्चा मेरा है कि वकील का है, किस तरह से पता नहीं क्या, तो फिर उससे जुड़ी हुई नहीं कहानी होगी ना, फिर कुछ और ही होगा वो उसमें, कुछ और, क्योंकि वो तो उल्टा है। यहाँ तो सीमा सचिन को दिखाने के लिए प्यार दिखाना पड़ेगा, पबजी खेलने के बाद से शुरुआत दिखानी पड़ेगी, काठमांडू से प्यार भी साजिश की तरह दिखाना पड़ेगा, काठमांडू में शादी हुई, उसके बाद आई है भारत में। अच्छा, वो तो दिखाई होगी ना, मोदी जी को राखी भेजी, योगी जी को राखी भेजी, माननीय राजनाथ सिंह भारत सरकार के रक्षा मंत्री, उनको माननीय कुछ नहीं है सरकार राखी। अरे भैया, भारत सरकार पीएम ही नहीं है। अच्छा, मेरा राखी दिखाया? राखी नहीं है, तिरंगा ही नहीं है। तिरंगा ही नहीं है फिल्म में? तिरंगा ही नहीं है फिर? क्या तिरंगा, फिर क्या कुछ नहीं है फिर तो उसमें कुछ है? अरे शुरुआती होती है घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। जब सीमा पाकिस्तान से आई हुई दुश्मन देश की बेटी बोलती है भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, जब वो बोलती है तब शुरुआत होती नहीं, है वो सिलसिला ही नहीं है, वो सेगमेंट ही नहीं है जिस ट्रैक पे इस समय सीमा चल रही है, वो चीजें नहीं है। सीमा तो कैसे नवरात्रे के रखे हैं व्रत, नवरात्रा तो दिखाया होगा? नहीं, वो भी नहीं। नवरात्रे 9 दिन, उसका घर बना है, उसके घर में माने मोदी जी के फोटो, योगी जी के फोटो, सब वो तो दिखाए होंगे। नहीं भैया, वो भी नहीं है। राधे राधे दिख रहे हैं हर जगह। अच्छा, वैष्णो देवी की जो मूर्ति आई थी उन वहां के लाए थे जम्मू कश्मीर के लोग? नहीं, जो वहाँ वृंदावन से ला के दी थी गिफ्ट लोगों ने, वो भी नहीं। वो भी नहीं। जन्माष्टमी, महाकालेश्वर का प्रसाद, जब मैं वहाँ गया था मुंबई महाराष्ट्र, बप्पा गणपति बप्पा, वो भी नहीं है। वो भी नहीं ना। तो वो खबर तो फिल्म कोई हमारे से काहे की जुड़ी, फिल्म हमारे साथ तो ये होना चाहिए ना। नहीं, वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सच क्या झूठ क्या, वो नहीं है, लेकिन वो है नहीं। तो फिर तो कोई अपने से क्या मतलब फिर उसका, फिर तो कोई किसी के दिखाते रहो, फिर उसका तो समाज देखेगा। अगर किसी, देखिए मेरा साफ कहना है, किसी भी निर्माता निर्देशक को किसी भी व्यक्ति के बारे में
चरित्र, निजी जीवन, असंसदीय भाषा, गैर कानूनी, अमर्यादित, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी को भी, और ये करना गलत है। और फिर समाज उसका जवाब दे। लीला भंसाली ने पद्मावत फिल्म में किया था, इतिहास के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करी थी, आज भी बंदा खुलेआम नहीं निकल पाता है। जो हाल हुआ जयपुर में करणी सेना और सबने किया था, निकल नहीं पाता अभी भी बाहर। क्या जानी साहब के साथ भी ऐसी हो जाएगा? नहीं, मैं मुझे नहीं पता कौन क्या है क्या बना है। मैं तो साफ मना कर रखा है, कपिल शर्मा शो के लिए भी मना कर रखा है, और वो कई सीरियल के लिए लोग आए, कई और फिल्मों का आर रहमान के लिए भी आए, और जो वो चल बिग बॉस के लिए भी, बिग बॉस के लिए मैंने मना किया। आपने तो तमाम फिल्म निर्देशकों तो वो कलाकार क्यों बना लिया इन्होंने? कलाकार देखिए, बिग बॉस हो, कपिल शर्मा शो, कलाकार अच्छे हो सकते हैं, बढ़िया हो सकते हैं, करें, लेकिन सीमा सचिन मीना का उससे कोई मतलब नहीं है। ना वो उसमें जा रही है, ना किसी के लिए प्रचार कर रही है, ना किसी के लिए, उसे अपने घरेलू जिंदगी गृहस्थी चला रही है। हाँ, सनातन को स्वीकार करके सनातनी बनी है, तो उसके गुरु दीक्षा भी ली है उसने, जन्माष्टमी भी बनाई है और नवरात्रे भी रखे हैं। अब आज हमारी माता जी ने खरीदारी की है, कल से आज तक कर रही हैं, तो जो करवा चौथ होगी उसकी यहाँ भारत में पहली, तो उसके लिए सामान है, करवा हैं, जो सुराही बने होते हैं, सीख हैं, करवा चौथ की कहानी की किताब है, करवा चौथ का कैलेंडर है, मिठाई है, कपड़े हैं, ये सब चीज़ें, चूड़ियाँ हैं, सुहाग की चीज़ें हैं, बिंदी हैं, सिंदूर है, ये सब चीज़ें जो भेजी जाती हैं उनको कर दिया, उसको भिजवाएंगे। आप तो भाई का रिश्ता निभा रहे हैं, उधर बता रहे बच्चा किसका, डायलॉग है कि वकील का बच्चा। बहुत बच्चे हैं, आपके बच्चे हमारे बच्चे नहीं हैं, सब बच्चे हैं। कोई किसी से मामा का रिश्ता होता है, किसी से चाचा का रिश्ता होता है, किसी से ताऊ का रिश्ता होता है। कह रहे कि ये बच्चा किसका है, कि मेरा है कि वकील का है, बोलते रहते हैं ऐसे, तो गलत। तो समाज जवाब दे देगा और फिर उसको जो जैसा होगा पता चल जाएगा कि इस तरह से। देखो एक्चुअली क्या है, जिसकी जैसी जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये चौपाई है। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब मनुष्य पर नाश छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये हमारी पुरानी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी, जैसी देखोगे वो बस, जिस तरह जैसे देखोगे वैसे आपको वो दिखेगा। लेकिन समाज की दृष्टि जैसी है अच्छी होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता, अगर मैंने सीमा सचिन मीना को, ये तो अभी 5-6 महीने का प्रकरण है, सोनिया अख्तर का भी अभी 4 महीने का प्रकरण है, इससे पहले भी तो इस देश की बहनें रही होंगी, लीगल फ्रेटर्निटी की लॉयर रही होंगी, जुडिशरी की अधिकारी रही होंगी, पुलिस अधिकारी रही होंगी, पत्रकारिता से जुड़ी हुई हमारी बहनें रही होंगी, बहनें रही होंगी, आर्थिक जगत की बहनें रही होंगी, मेडिकल क्षेत्र की बहनें रही होंगी, एयर सर्विसेज हमारी बहनें रही, उन बहनों का सम्मान ही तो था, हमारा उनके प्रति आदर ही तो था, जो इस बहन भाई को, रिश्ते को हमने पाकिस्तान भी पहुंचाया और बांग्लादेश भी पहुंचाया। सोनिया अख्तर अगर बांग्लादेश से आई तो वो भी हमारी बहन है, और सीमा सचिन मीना अगर पाकिस्तान से आई तो वो भी हमारी बहन। क्या इस तरह से जो तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है तो इसके खिलाफ आप एक्शन ले लेंगे? वो तो अपने आप लोग ले लेंगे, हमारे बहुत वकील भाई हैं, बहुत सब लोग हैं, बहुत है, अपने आप ले लेंगे, हमें टाइम नहीं भी है ना देखने के, लेकिन लोग देखेंगे तो ना कोई गूंगा है, ना कोई बहरा है, ना कोई अंधा है, सुनेगा भी, देखेगा भी, जवाब भी देगा और बोलेगा भी। फिल्म बनाने वाली बात आपको याद दिला दूं, हमारे जीवन पर आर्टिकल 370 बनाई, फिल्म बनाई, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे साथ रहे, घूमे फिरे, फिल्म बनाई, रिसर्च की, रिसर्च की, परमिशन ली, राजस्थान में आनंदपाल प्रकरण पे फिल्म बनाई, केस लड़ा, डेरा सच्चा सौदा के उस पर, पद्मावत फिल्म बनी जो हमारे जीवन पर आधारित बनी। आपको याद होगा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की धर्म पत्नी जया बच्चन जी एक डिबेट में साथ थी, न्यूज चैनल, उसी समय निर्भया केस चल रहा था, वो संसद में बोली थी, तो संसद में बहुत भावुक होके बोली बेटियों की बातें, हमें भी अच्छा लगा कि हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेटियों के बारे में बोल रही है। तभी हमें किसी ने बताया कि इनके पति हैं जो सदी के महानायक के, मैं तो फिल्म देखता नहीं, तो उन्होंने बताया कि इन्होंने एक चीनी कम फिल्म बनाई है। चीनी कम फिल्म में क्या है,
दादा की उम्र का, दादा की उम्र का अमिताभ बच्चन रोल कर रहा है, और पोती की उम्र की लड़की उनके साथ रिस्क लड़ा रहे, उसके साथ रिस्क लड़ा रहे। अरे बाबा, अरे बाबा, मैंने कहा सदी का महानायक अगर ऐसी फिल्म बनाएगा तो हमारे देश में दादा दादी नाती पोतों के नाना और रिश्ते खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ये संबंध उन लव अफेक्शन का है जो गार्जियन होते हैं, जो संरक्षक होते हैं, जो उनके संरक्षण करता है, उन्हीं के साथ अगर ऐसा दिखा दिया जाएगा। मैंने बोला, डिबेट में बोल दिया, डिबेट उतार के छोड़ के चली गई नेशनल न्यूज चैनल पे। बाद में उन्होंने अपने पति को दिखाई डिबेट, कहा, फिर अमिताभ बच्चन ने उस पर एक फिल्म बनाई पिंक, अमिताभ बच्चन ने उस पर फिल्म बनाई पिंक कि दिल्ली के एक एडवोकेट हैं, वो महिलाओं के कपड़े कितने पहनने चाहिए, रात में घूमना चाहिए नहीं घूमना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो बताते हैं, वो डिसाइड करते हैं। अरे भाई, हम अपने परिवार में डिसाइड करते हैं, हमें गार्जियन बनाया गया, संरक्षक बनाया गया, हम संरक्षक हैं, करेंगे। आप नहीं कर पा रहे हैं अलग बात, आपकी निजी ज़िंदगी क्या है अलग बात, आपके प्री मैरिटल रिलेशन क्या बनते हैं फिल्म इंडस्ट्री वालों के अलग बात, पहले बच्चा बाद में शादी वो करते हैं वो उनका अपना अलग भाव है, उनकी अपनी अलग विचारधारा है, उनकी अपनी अलग सोच है, लेकिन उससे हमारा नहीं। तो चीनी कम फिल्म उन्होंने हमारे उस पर बनाई, मैनू एक लड़की चाहिए एक टाइटल दिया, एक फिल्म ये हमारे ऊपर बनाई, आर्टिकल 370 बनाई, बीबीसी लंदन ने बनाई इंडियाज डॉटर, सभी से पहले परमिशन ली गई, परमिशन ली आपको तो पता, लेकिन इसमें तो नहीं लगता मुझे परमिशन नहीं। मैं साफ मना कर चुका हूं कि मेरे सीमा सचिन मीना से संबंधित किसी भी कोई फिल्म बनाने की कोई अनुमति नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, ना किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अनुमति सीमा सचिन मीना की तरफ से दी गई है, और ना बनाने की इजाज़त है। गलत है तरीका ये। हाँ, तरीका गलत है, ओछी मानसिकता, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे लोग इस तरह के हथकंडे अपना के अपने को करना चाहते हैं, लेकिन जब वो उंगली आप किसी दूसरे के लिए उंगली उठाते हैं सामने, तो तीन उंगलियां आपके लिए उठती हैं, उन तीन उंगलियों को आप देखिए, तीन उंगलियों को अपनी तरफ आती हुई सोचिए, उनके बारे में सोचिए, ये उंगली उधर उठी हैं तो उधर का भी लोग निकाल के देंगे क्या। ये अपनी तरफ भी देखना चाहिए, जिनके घर कांच के, जिसके घर कांच के हो उन्हें उसे पहले देखना चाहिए, किसी को आप कैसे राह बना देंगे, राह के एजेंट कैसे जो बसनातनी हो गई भारत में रह रही, जिसके लिए जिसने राखी मोदी जी को भेजी, राजनाथ सिंह जी माने देश को बदनाम, तो राजनाथ सिंह जी से आप जैसे मीडिया वालों ने पूछा, आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, कि सीमा ने राखी भेजी है, राज्य से पूछी कि सीमा ने राखी भेजी है, उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो बेटियों का, बहनों का आदर है, बहनों का सम्मान है, हाँ आई है राखी मिली है, सम्मान तो करते ही है ये तो। हमारे देश धर्म में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल लिखा नहीं जाता है, अमल में लाया जाता है। हमारे देश की सरकारों ने पहले बेटियों को बचाया, फिर बेटियों को पढ़ाया, और उसके बाद आकाश से लेकर पाताल तक तीनों लोगों के जो भी कार्य होते हैं हमारी देश की बेटियां करती हैं, चाहे राजनेता हो, अभिनेता हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, वकालत के क्षेत्र में हो, जुडिशरी के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे आदित्य यलवन की सफलता हो, चाहे इसरो की सफलता हो, चाहे चंद्रयान 3 की सफलता हो, अगर उस समय हमारा देश सीता सावित्री गार्गी अपाला अनुसुईया रजिया सुल्ताना का इतिहास रहा है, तो आज भी हमारे देश में ऐसी महिलाओं की कोई कमी नहीं, उनका पूरा सम्मान है, उनका पूरा आदर है, और उन जीवंतता के साथ हैं बाहर, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक हम नहीं रुके, हमने भारत ने 33% आरक्षण महिलाओं को लोकसभा में भी दिया, राज्यसभा में भी दिया, विधानसभा में भी दिया, कि तुम बच गई हो, जब तुम पढ़ गई हो, जब तुम बढ़ गई हो, तो अब संसद में भी जाओ और कानून भी बनाओ। आपकी प्रतिष्ठा को भी धूमिलित करने की कोशिश की गई, सूरत पे इस पे फेंको ना, सूरत कौन फेंक सकता है, बस खत्म, हाथी चलते रहते हैं ऐसे। ये तमाम चीज़ें आपने सुनी, वकील साहब ने बताया कि किस तरह से तत्वों के साथ छेड़छाड़ की गई, जो गलत है, मर्यादित रहना चाहिए, दूसरे की प्रतिष्ठा पर उंगली उठाने से पहले देखना चाहिए कि आप क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।